आदमियों सारा मंत्री के बनुआ मैं बजट तो पे, बजट पे बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये पता नहीं साहब बजट पे बोलो बजट पे। खट्टर साहब आप पहले अभिमन्यु के वक्त में भी मांग ये मान के आए थे अब फिर तो ये आप कोशिश करो चीफ मिनिस्टर बनने की। ये महकमे किस दे दिए आपने वही मालिक बना दिए कोई मजे की बात नहीं। उसके अलावा मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे बारे में एक बात कही गई मेरी एब्सेंस में कि भाई देवेंद्र बबली की जगह अगर मैं राम कुमार गौतम को मंत्री बना देता नहीं ये बात मेरी गैर हाजिरी में कही थी इसकी हाजिरी में इसने मुझे बताया था तो फिर बोला इनको कोई नाराजगी नहीं होती। देखिए नहीं जब नहीं था मैं सुनो मैं ये कहना चाहता हूं वो भाई जानता है इतनी बातें होती भी नहीं। जब एमएलए बने थे हम मंत्रालय का जिस दिन विस्तार हुआ था उसी दिन हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। उसी दिन मैंने इसको ये कहा था भाई देवेंद्र कोशिश कर लियो तू मंत्री बनन की मैं तो ये त्रिलोकी का राज दे तो भी नहीं लूं। और मैंने बयान भी दिया था 12 के 34 पे कि भाई मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं लेकिन मेरी मेंबरशिप का मजा लिया 10 साल तक। अगर उसी दिन मुझे अलग कर देते मैं कोई टिकटार्थी थोड़ी था मैं तो इस पार्टी का बनाने वाला था तो मैं अलग से एमएलए रह लेता ये नोक आपने नोक एक उठा दस्खत आप करें जाए मेरे कोई तकलीफ नहीं थी। और मैं तो जब गया था मैंने यही कहा था उससे भाई दुष्यंत देख तेरा मैं जिसको हरा के आया हूँ साधारण आदमी नहीं था सरकार का बड़ा पुर्जा था कैप्टन अभिमन्यु उसने हाई कोर्ट के जज लगाए वाइस चांसलर लगाए पीएससी के मेंबर लगाए। एक सेकंड मैंने कहा भाई मुझे कम से कम पावर ऐसी दे देना कि जिससे लोग यूं ना कहें भाई किसको तो हराया किसको बनाया ये मैंने सिर्फ उसको कहा था। जब उसका जवाब मैंने सुन लिया उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं जो लेख में लिखा था बन गई। उस दिन चाहता था सिर्फ मैं मंत्री बनना पावर का वैसे नहीं बहुत पावरफुल का क्योंकि पावरफुल था अभिमन्यु जिसको मैंने हराया था। उसके बाद तो मैंने कभी सूंघा भी नहीं उस तरफ देखा भी नहीं तो ये जो बयानबाजी की बड़ी गलत की। मेरे हल्के में आके यूं बोला नारनौंद में कहता है जी उनको तो उठते बैठते सोते बैठते मंत्री मंडल में बनना चाहिए। अरे भले आदमी एक बार भी नहीं कहा मैंने तुमने बहुत कोशिश की मुझे मनाने की तुम गुनाहगार नहीं हो मैं हूँ उस लाइन पे मुझे बनाना चाहते तो मैंने कहा भले आदमी हो सारा मंत्री के बनूंगा मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बता नहीं बजट पे बोलो बजट पे।